दोस्तों कई रीज़न की वजह से कई बार हमें अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करना पड़ता है, लेकिन इंस्टाग्राम में आप अगर देखेंगे तो आपको कहीं भी अपने अकाउंट को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं नज़र आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और देखते हैं कि किस प्रकार से अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर एक भी बार डिलीट का ऑप्शन नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर हमारे होम पेज पे गए, हम अपनी प्रोफाइल पे जाने के बाद ऊपर जो आपको तीन डॉट नज़र आ रही है, इन तीन डॉट पे आपको टिक करना है। अब इसके बाद सेटिंग का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन के बाद अब आपको नीचे देखिए हेल्प लिखा हुआ है, इस हेल्प पे आपको टैप करना है। अब इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो अब आपको ऊपर हेल्प सेंटर पे टैप करना है। तो ये देखिए हेल्प सेंटर। अब इसके बाद एक नया पेज खुल के ओपन होगा, तो अब इस पे आप देखिए तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो अब आपको इन तीन में से सेकंड वाला चूज़ कर लेना है। अब इसके बाद आपको मैनेज अकाउंट पे जाना है। मैनेज अकाउंट पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है, डिलीट योर अकाउंट पे टैप करना है। अब इसके बाद ये देखिए तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इसमें, अब हमें सेकंड वाला चूज़ करना है। ये मैंने सेकंड वाले पे टैप कर दिया। अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर और ये देखिए डिलीट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये इस रेड सर्कल के अंदर। अब आप इस पे टैप कर दीजिए। इसके बाद अब एक नया पेज आपके आगे ओपन होगा। अब ये आपसे रीज़न पूछ रहा है कि क्यों, मतलब आप ये डिलीट करना चाहते हैं, तो अब आप इनमें से कोई भी एक रीज़न चूज़ कर सकते हैं। रीज़न चूज़ करने के बाद अब आप नीचे पासवर्ड डालेंगे अपना, जो आपका पासवर्ड था आपके इस इंस्टाग्राम का, अगर आप भूल गए हैं तो आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद नीचे देखिए डिलीट का एक ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर सिंपली टैप करके ओके कर दें। तो ये देखिए अब मेरा अकाउंट डिलीट हो चुका है, योर अकाउंट विल बी डिलीटेड, है ना। तो इस तरह से आप अपना बड़ी ही आसानी से अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।